बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर को लेकर मनीषा रानी ने किया रिएक्ट। तो आखिरकार मनीषा रानी के नजरों में कौन है बिग बॉस का विनर, आइए जानते हैं। गाइस बेसिकली डिस्कशन चल रहा है फुकरा इंसान एल्विश यादव और मनीषा रानी के बीच, जहां एल्विश पूछते हैं कि अगर मैं शो का विनर बना तो क्या तुम्हें खुशी होगी मनीषा, जिस पर मनीषा कहती है कि बिल्कुल थोड़ी खुशी तो होगी, जिस पर एल्विश कहते हैं कि थोड़ी खुशी क्यों होगी। तो यहां मनीषा कहती है कि अगर मैं खुद शो की विनर बनूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, फुकरा इंसान अगर विनर बनेगा तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर आप विनर बनते हैं तो थोड़ी खुशी इसलिए होगी क्योंकि आप वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट के तौर पर आए हो और हम डे वन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं। तो यहाँ फुकरा इंसान को लेकर ये बात कहती जब वो नजर आई और उनके साइड लेती नजर आई तो यहाँ एल्विश यादव को थोड़ी सी इस बात का बुरा लगा, हर्ट हुआ, जिस पर एल्विश ने कहा क्यों तुम लोगों ने जितने स्ट्रगल्स किए हैं वो स्ट्रगल्स तो मैंने भी देखे हैं, मैंने भी किए हैं। इस बात पर मनीषा ने कहा कि बिल्कुल स्ट्रगल्स किए भी हैं, देखे भी हैं, लेकिन आपके स्ट्रगल की जर्नी थोड़ी कम रही है एज कंपैरिजन टू हमारी जर्नी। यहाँ पर मनीषा ये भी कहती नजर आई कि जिसने डे वन से स्ट्रगल की है, डेडिकेशन के साथ गेम खेला है, वही इंसान ट्रॉफी डिजर्व करता है। तो कहीं ना कहीं मनीषा रानी पूरी तरीके से सपोर्ट में है कि या तो वो विनर बने या फिर फुकरा इंसान, यानी कि मनीषा रानी को फुकरा इंसान को विनर बनते हुए देखकर खुशी होगी, लेकिन शायद एल्विश यादव को विनर बनते हुए देखकर थोड़ी कम खुशी होगी। तो वैसे में उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि आप भी मेरे दोस्त हो, लेकिन एल्विश अगर आप जीतते हो तो मुझे थोड़ी सी कम खुशी होगी क्योंकि आप वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट के तौर पर बाद में आपने एंट्री मारी थी और इस वजह से थोड़ा कम डिजर्विंग हो आप। तो यहाँ पर मनीषा रानी ने एल्विश यादव को ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। अब आप सभी बताएं कि क्या मनीषा रानी की बातों से आप सभी सहमत हैं? क्या वाकई मनीषा रानी ने जिसे विनर बताया है क्या उससे सहमत हैं या नहीं, हमें बताएं कमेंट करके।